अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कुवैत से कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहे हैं उनके बारे में। जो पहली अपडेट है दोस्तों, आपको बता दें कि कुवैत के अंदर जिन्होंने वैक्सीन लगा लिया था, खास करके जिन्होंने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन लगाया था, उनके लिए एक अपडेट आया है। यहाँ पे बता दें कि पहले जिन्होंने भी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन लगाया था और उन्होंने जो सर्टिफिकेट है वो लोड किया था, उसमें ऑक्सफोर्ड सर्टिफिकेट नाम से आ रहा था, लेकिन अभी जो कुवैत गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उनके तरफ से बताया गया है कि जो ऑक्सफोर्ड सर्टिफिकेट है उसका नाम चेंज करके एस्ट्राजेनेका कर दिया है। ये इसलिए किया गया दोस्तों क्योंकि बता दें कि जो कुवैत हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री है, उनके तरफ से जो अप्रूव चार वैक्सीन बताया गया था जिनको लेकर के एक्सपर्ट्स एंट्री कर सकते थे, यहाँ पे पी फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, यानी कि ये चार नाम से वैक्सीन को अप्रूव किया गया था। इस चारों वैक्सीन के अंदर जो ऑक्सफोर्ड है वो नाम मेंशन नहीं किया गया था, जबकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी से था। तो दोस्तों, तो फाइनली यानी कि अभी जिन्होंने भी वैक्सीन का सर्टिफिकेट लोड कर लिया है वो दोबारा से अपना ऐप में जा करके दोबारा डाउनलोड कर लें, जो कि एस्ट्राजेनेका नाम से आएगा, जो कि अप्रूव दिखाएगा कुवैत गवर्नमेंट का, उनको लेकर के आप आसानी से सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो अगली अपडेट है कुवैत से, आपको बता दें कि जो लोग भी कुवैत से सफ़र करना चाहता है, चाहे वो दुबई हो, लंदन हो, किसी भी कंट्री हो, अभी आपको जो टिकट का प्राइस है वो हाई मिल सकता है। साथ ही में यहाँ पे बताया गया है कि कुवैत से बाहर विजिटर जो हैं जाने वाले, यानी कि ईद पे घूमने वाले लोग, तकरीबन 1 लाख लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग कंट्री जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वैक्सीनेट है, वैक्सीन लगा लिया है, अदरवाइज उन लोगों को अलाउ नहीं करेगा जिनको वैक्सीन नहीं लगा है। उसके बाद दोस्तों, बता दें कि कुवैत के अंदर अभी तक जिनको भी वैक्सीन नहीं लगा है उन्हें भी कुवैत गवर्नमेंट जल्द लगाने की कोशिश कर रही है। अभी कुवैत के अंदर जो पी फाइजर वैक्सीन का बैच है वो भी इसी हफ्ते के अंदर बहुत सारा क्वांटिटी में आने वाला है, ताकि जितने भी लोग बचे हैं उन सभी को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जा सके। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट था कुवैत से। कुवैत से सभी खबर देखने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों कुवैत से अगले अपडेट के साथ।